किसान भाइयों कि जो जड़ गलन होती है उस पर आज हम बात करेंगे मैं एक किसान के खेत में आया हूँ अपने इलाके में मैंने ढूंढा कि वो किस किसान के खेत में प्रॉब्लम है तो मैं उस खेत में आया आया हूँ उस बीमारी को पहचानना कैसे है बीमारी दिखती कैसे है बहुत से किसान जड़ गलन को बोलते हैं कि वायरस आ गया वायरस की अलग पहचान होती है जड़ गलन की अलग पहचान होती है और जड़ गलन आती कैसे है जड़ गलन जो बीमारी है उसको बोलते हैं राइजो कुटानिया फंगस जो हमारे आलू में आती है राइजो सोलानी फंगस जड़ में आती है जिस वो आती क्यों है हम अपना बीज उपचार नहीं करते अगर हम बीज उपचार कर रहे हैं तो दवाई के डोज सही नहीं रखते दवाई के डोज़ कम पानी की डोज ज़्यादा कितने एम दवाई से कितने क्वेंटल बीज ट्रीट होता है उस पर हम ध्यान नहीं देते सिर्फ दुकानदार के कहने पर हम जो भी खेती कर रहे हैं हम दुकानदार के कहने पे कर रहे हैं अगर दवाई हमने पीछे बीच में पीछे भी हमारे एक वीडियो डली हुई है आलू के बीज उपचार के ऊपर जो दवाई 40 एम पर लीटर पानी की डोज है किसान क्या कर रहा है उस दवाई को 100 एम दवाई ले रहा है वो और उसको 60 पैकेट पे 30 लीटर पानी में घोल के लगा रहा है और उसकी 15 लीटर पानी में 600 सौ की डोज है एक्स वाई जेड या दूसरी भी दवाइयाँ हैं आप पानी की डोज अधिक अधिक रख रहे हो दवाई की डोज कम रख रहे हो कितने क्विंटल बीज कितनी दवाई से लगानी है कितने बीज पे लगानी है कोई उस पर ध्यान नहीं देते अब मैं आपको दिखाता हूँ राइजों जो फंगस है उसका पौधा दिखता कैसे है इस खेत में काफ़ी समस्या है ये देखो आपको ऊपर से ऐसे दिखेगा पत्ते सुकड़ जाएंगे ये ऐसा दिखेगा जी प्लाट इसमें जड़ काली पड़ जाती है पौधे का पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है जो पौधे को नीचे से पोषक तत्व चाहिए वो मिलते नहीं फिर जब जड़ में दिक्कत आ जाएगी ये देखो जी अब यही प्लाट हम उखाड़ते हैं इसको देखो ये टूट गया इसी जड़ नीचे टूट गई है दूसरा दिखाता हूँ किसान भाइयों ये देखो जी ये भी वही राइजो फंगस का प्लाट है ये देखो जी इसकी पूरी जड़ आपको देखेगी ब्राउन ब्राउन ये वही समस्या है किसान भाई और राइजो कोटानिया फंगस इस किसान ने भी दवाई तो वही लगाई है अच्छी दवाई लगाई है और कैसे लगाई है जो दवाई पंद्रह लीटर पानी में छः सौ एम डालनी थी वो इन्होंने क्या किया पंद्रह लीटर पानी में पचास एम दवाई डाली और आलू पे स्प्रे किया पंद्रह लीटर पानी में पचास एम और उससे तीस पैकेट एक बार में ट्रीट किए फिर दूसरी बार बार में पंद्रह पंद्रह लीटर पानी में फिर पचास एम डाली दूसरी साइड लगा दी सा छः सौ एम एल दवाई पंद्रह लीटर पानी में डलती है मेस्टो प्राइम जो हमने अपने बीज पे लगाई है अब और भी दिखाता हूँ आपको प्लाट इसका ये देखो ये भी वही समस्या है किसान भाइयों ये देखो जी ऐसी दिखती है वो बीमारी किसान भाइयों अब पानी में धोके भी आपको मैं दिखा रहा हूँ बीमारी को ये किसान भाइयों वो आलू का पौधा है जिसमें वो फंगस आई आई हुई है राइजो कोटानिया अब इसको हम धोते हैं पानी में ये देखो जी पूरी जड़ें इसने यहाँ से खराब कर दी हैं किस आलू की इस बीमारी ने और ये गलती किसकी है किसान की गलती है ये जब बीज आप उपचारित कर रहे हो तो ढंग से करो ये देखो जी ऐसी दिखेंगी आपको इसकी जड़ें और ऊपर से पौधा आपको ऐसा दिखेगा इसके इलाज के लिए बीमारी 100 परसेंट तो ठीक नहीं हो सकती कुछ परसेंट इसको ठीक किया जा सकता है इसके लिए है दवाई इंडोफिल की आती है स्प्रिंट मैं टेक्निकल की ना बात करके सीधे दवाई का नाम बता रहा हूँ आपको इंडोफिल की स्प्रिंट आती है वो आपने लेनी है पाँच ग्राम दूसरी दवाई किसान भाई आपने लेनी है स्टेप्टोसाइक्लिन वो फोटो में आपको दिखा दी जाएंगे दोनों दवाइयों के आगे इंडोफिल की जो स्प्रेंट है वो आपने 500 ग्राम लेनी है स्टेप्टोसाइक्लिन आपने 30 ग्राम लेनी है पर एकड़ दोनों दवाइयों को घोल के डेढ़ सौ लीटर पानी में स्प्रे करना शाम के टाइम और खेत में नमी होनी चाहिए इस बीमारी से कुछ हद तक ये स्प्रे करने के बाद आपको निजात मिल जाएगी ये सीधा सा फॉल्ट है जो आपको भी बता देता हूँ बीज उपचार का दुकानदार कहता है पोटास ऑर्गेनिक पोटास है, ये लगा दो वो लगा दो आप दुकानदार के मैं बार बार बोल रहा हूँ हिसाब से खेती करना छोड़ो आप खेती अपने टेक्नोलॉजी से करें यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिस खेत में आ गई पूरे खेत को भी चौपट कर सकती है नीचे से भी दिखा रहा हूँ और ऊपर से भी दिखा रहा हूँ अब आप पहचान लें कि आपके खेत में समस्या क्या है और भी पौधे दिखा सकता हूँ इस खेत में मैं आपको काफ़ी पौधे हैं इस खेत में आपको दूर से देखने में पता लग जाएगा खेत अपना जैसे ये एक प्लाट है हम टेक्निकली बंदे हम पौधा देख के पहचान सकते हैं कि ये वही समस्या है ये प्लाट है ये प्लाट है ये पौधा है इसमें भी है इस तरीके से आप भी अपना खेत पहचानें और नमी में स्प्रे करें शाम के टाइम कोशिश करें आप स्प्रे करने की